चाबुक जी और कितनी पिटाई करोगे? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ। अब जा रहे हो? वापस तो नहीं आओगे ना? अब वापस आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग सुधर गए हो। तुम लोग सुधर गए हो ना? तो चलो मैं चलता हूँ। और याद रखना, हमेशा अच्छे ही काम करना। बॉस, अब कौन सा अच्छा काम करना है? इन विद्यों की अकल ठिकाने लगाने का काम। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की बैंड बजाई थी ना, अब मैं उनकी बैंड बजाऊंगा। अरे लेकिन बॉस, चाबुक जी वापस नहीं आएंगे। चाबुक जी ने एक बार मना किया ना तो वो नहीं आएंगे। चल मोंटू, क्या है ना, हमें डार्टबोर्ड चाहिए था और तुम्हारे जैसा कलरफुल डार्टबोर्ड तुम्हें कहीं भी नहीं मिल सकता है ना मनीष? हाँ। मोंटू, क्या कर रहे? छोड़ मैं। छोड़ दूँ? तुम लोग बहुत मेरे सर पे बैठ गए थे ना, मुझे टपली मरवाई। मुझे भी, मुझे गोल पोस्ट बनाया। मुझे भी। हाँ, मेरे बॉडी पे कलर लगाया। मुझे भी। मनीष, मेरा जी खट्टा हो रहा है। अरे खट्टा क्या, अब तो कड़वा भी होगा, तीखा भी होगा। मेरे सर पे पहले तलवार थी इसलिए तुम बच गए, पर अब वो तलवार जा चुकी है। अब तुम्हारे गर्दन पे तलवार है। ए मोंटू, अगर तूने हमें हाथ भी लगाया ना तो याद रखना, हमारी यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। कौन सी यूनिटी? कौन पीटेगा मुझे? देख बोल रहा, कौन पीटेगा? क्या हुआ? बस चार कदम भागते ही आपके सांस फूलने लग गई। पता नहीं रोहित, ये सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। हाँ बस, मुझे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरा भी बहुत सर दर्द हो रहा है। Thank you.
अगर उस महादानव ने महावृक्ष को काट दिया होगा तो मैं पृथ्वी लोग कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। फिर नहीं, मुझे मुझे जल्द से जल्द पृथ्वी लोग जाना होगा। की मात्रा बहुत कम हो गई है। और साथ ही साथ मुझे मुझे बच्चों की मदद की पुकार भी सुनाई दे रही है। इसका मतलब मैं पृथ्वी लोक के करीब पहुंच गया हूँ। और अगर मैं पृथ्वी लोक पर पहुंच गया हूँ तो मेरी शक्तियां भी वापस आ गई होगी। अब समय आ गया है बुराई को उसकी गलतियों की सजा देने का। रुक जाओ, मैं हूं बच्चों को बचाने वाला बालवीर और तुम्हारा अंत। आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे महादानव। We'll be right back.
लगता है प्राणवायु की कमी के कारण सलोनी भी बेहोश हो गई। सलोन की तरह पृथ्वीलोक पर कई सारे लोग बेहोश हो गए होंगे। मुझे फौरन इसमें कैद हरियाली को आजाद कर देना चाहिए। जितनी तेजी से जंगल अदृश्य हो रहे थे उतनी ही तेजी से जंगल हरे भरे हो रहे हैं। रानी परी, पृथ्वी लोक की हरियाली वापस लौट आई है। विचार परी, ये खुशी की बात तो हम सबने अपनी आंखों से देख ही ली है। तो एक और अच्छी खबर आ पर परी अपने कानों से सुन लीजिए। रानी परी, बालवीर वापस लौट आए हैं। क्या? बालवीर वापस लौट आए हैं? और हाँ, उन्हीं की वजह से पृथ्वी लोक की हरियाली भी लौट आई है। हम जानते थे, हमें बालवीर पर पूरा भरोसा था। हमारा दिल कह रहा था जब तक बालवीर है तब तक पृथ्वी लोक को या वहां के जीवन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आखिर बालवीर ने पृथ्वीलोक को बचा ही लिया। हाँ, और माँ का दिल तो हमेशा सच ही कहता है ना बालपरी? हाँ। पृथ्वी पे ये हरियाली वापस कैसे आ रही? ये कैसे हो सकता? अरे हो क्यों नहीं सकता महाविनाशी? अरे होता यही तो आज तक है। करती आई आप बड़ी बड़ी बातें और काटता रहा है बालवीर बार बार आपकी नाक। फिर भी बेशरम आपकी नाक, पता नहीं क्यों उगती है दोबारा कटने के लिए। ये देखिए, थैंक गॉड हम लोग बच गए। पृथ्वी की हरियाली फिर से वापस लौट आई। हाँ, ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई है। ये काम ना, ये काम सिर्फ बालवीर का हो सकता है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बालवीर। Thank you.
बल्लू, बल्लू नीचे कैसे आए तू? और वो महादानव को क्या हुआ? बालवीर का है? वो तुझे बचाने आया था? महादानव से बालवीर ने ही मुझे बचाया और उसी ने महादानव का अंत किया, वही मुझे पृथ्वीलोक पर लेकर आया। खुशी की बात तो ये है कि पृथ्वी वापस हरी भरी हो गई और चिंता की भी कोई बात नहीं है। लेकिन आज का हीरो तो तू है बल्लू, क्या फाइटिंग की थी तूने उस महादानव के साथ। रिशिम रिशिम, यू नो मैं बालवीर को जरूर बताऊंगी कि तू बल्लू लल्लू नहीं, बल्लू बहादुर है। और हाँ सलोनी, मैं भी बालवीर को बताऊंगा कि तू भी महादानव को सीधा कर सकती है। अब तू घर जा, मैं चाचा से मिलकर आता हूँ। देखा दोस्तों, पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर अच्छे से जी सके और प्राण वायु की कमी ना हो तो पेड़ पौधे उगाइए, ताकि हम अच्छी हवा में सांस ले सके। पेड़ पौधे उगाइए, जीवन बचाइए। महाविनाशनी, हम यहाँ क्यों आए? ये कोई मामूली अग्नि नहीं है, ये मायावी अग्नि है और इसी अग्नि में हमें बालवीर का अंत करने का शस्त्र मिलेगा। क्या ऐसा भी कोई शस्त्र है जिससे बालवीर का अंत हो सके? नहीं शातिर परी, पर इस अग्नि में हमें ऐसा शस्त्र मिलेगा जो बालवीर के दूसरे रूप यानी बल्लू का अंत करेगा, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बल्लू का अंत यानी बालवीर का अंत। मगर बल्लू के चारों तरफ जो रानी परी का सुरक्षा कवच, क्या उसे तोड़ पाएगा ये शस्त्र? रानी परी का सुरक्षा कवच क्या दुनिया में कोई भी सुरक्षा कवच भेद कर पाएगा? वो महाभेद शस्त्र हमें मिलेगा इस मायावी अग्नि से। मुझे सबसे शक्तिशाली महाभेद शस्त्र देने का आह्वान कर, शस्त्र देने का आह्वान कर, शस्त्र देने का आह्वान कर। शातिर परे महाभेद शस्त्र। जाओ शातिर परे, इस शस्त्र से बल्लू का सुरक्षा कवच भेद कर दो, अंत कर दो बल्लू का।
लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें एकदम अचानक वार करना है, इतना अचानक कि बल्लू बालवीर का रूप ना ले पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये महाभेद शस्त्र भी काम नहीं आएगा। जाओ। जी महाविनाश। ये नील और सलोनी मुझे छोड़कर स्कूल की चले गए और वो भी इतनी जल्दी। मुझे भी जल्दी स्कूल जाना होगा। हाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? ये मेरा वहम होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुझे बार बार गलत वहम नहीं हो सकता। जो मेरा पीछा कर रहा है वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जो भी हो मुझे सावधान रहना होगा। तुम चाहे जितना भी सावधान हो जाओ बल्लू, लेकिन मेरे महाभेद शस्त्र के वार से तुम्हें तुम्हारा सुरक्षा कवच नहीं बचा पाएगा। आज तो तुम्हारा अंत निश्चित है। चलो चलो चलो, मोंटू को कोई भी टिफिन का टोल दिए बिना अंदर नहीं जा सकता, समझे? हाँ। क्या लाया तू? मोंटू को तो आज मैं सीधा ही कर दूंगी। अरे सलोनी जाने देना, चल पीछे के रास्ते से चलते, चल चल प्लीज। हाँ। ए पिद्दलोग, कहाँ जा रहे हो? यहाँ बॉस। मैं एक पिद्दी हूँ, पुराने पिद्दी मानो मैं नहीं है, तो तुम ये मत बोलना कि स्कूल के अंदर जाने से पहले मोंटू को टिफिन का टोल देना पड़ता है। और तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात होती है? और मोंटू बॉस तो सबसे बड़ा भुक्कड़ है। रोहित जी, वो बुक्कट अब मेरा मतलब महान मोंटू को हम फूड टैक्स देने से कैसे भूल सकते हैं? पर क्या है ना, आज हमारे टिफिन में कुछ खास है, इसीलिए हम हमारा टिफिन मोंटू जी को सरप्राइज के तौर पर देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आप दोनों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। ए, मोंटू बॉस बेवकूफ है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी बेवकूफ हूँ। बॉस इधर हो गया, इधर। अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हम आंखें बंद करेंगे तो ये पिद्दी लोग भाग जाएंगे बॉस। अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम सलोनी का हाथ पकड़ के रखो जब तक कि मैं तुम्हें आंखें खोलने के लिए नहीं कहता। ठीक है। अरे बेटा मुंह जल जाएगा, आंख में से आंसू कान में से धुआं निकल जाएगा। वही तो करना है। मेरा मतलब आप कंजूसी मत कीजिए, आप और डालिए ना सॉस। ले लो। बस
पिम्पल बना के मोंटू को खिलाऊंगा। अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये दुनिया के सबसे तीखे, मेरा मतलब सबसे टेस्टी रोल्स खाने के लिए तैयार हो जाइए। अरे रुको रुको, एक और सरप्राइज भी है, और वो ये है तुम दोनों में से जो भी एरो सबसे पहले फिनिश करेगा उसके लिए मैं कल टिफिन के साथ ट्विंग्स भी लाऊंगी। 1, 2, 3 स्टार्ट। जरूर कोई ना कोई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बार बार वहम नहीं हो सकता, मुझे देखना होगा। तुम्हारा अंत तुम्हारे आसपास ही है बल्लू, ना तो तुम उसे देख पाओगे ना उसे बच पाओगे। जरूर यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो मेरे सामने नहीं आ रही। सामने आऊंगी बल्लू, लेकिन तुम्हारा अंत बनकर। मारना तो तुम्हें सामने से चाहती थी बालवीर, लेकिन क्या करूं, बुराई होना इसलिए पीछे से वार करूं। तेर परी, मुझे तो पता ही था कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति जरूर है, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि रानी परी ने मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया है जिसे बुराई का बड़े से बड़ा वार भेद नहीं सकता। अपनी जीत का जश्न नहीं, जल्दी मत बनाओ बालवीर, मेरे महाभेश शस्त्र का वार अभी खत्म नहीं हुआ है। तेर परी, तुम्हारा ये महाभेद शस्त्र भी मेरे सुरक्षा कवच को नहीं भेद सकता। शातिर परी, अब वार करने की बारी मेरी है। अब तुम्हारा अंत होने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
फिर परी ने मुझ पर हमला क्यों किया था? कहीं वो गुस्से में आकर बच्चों पे वार ना कर दे। मुझे जल्द से जल्द बच्चों की रक्षा के लिए जाना होगा। शुक्रिया महाविनाश ने, मिल गई राहत। अब डालोगे मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ तो डंक तो पड़ेगा ही ना खाना। आ गई बड़ी बल्लू का शिकार करने वाली। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, महाविनाश ने को लगा कि महाबेश शस्त्र से बालवीर की सुरक्षा कवच को तोड़कर बालवीर का अंत किया जा सकता है, तो बोलो। अरे ऐसा तो है, लगता मुझे भी कि हूँ बन सकता मैं विनाश लोक का राजा और बन सकती हूँ आप दोनों मेरी दासियाँ, पर ऐसा होता थोड़ी ना है। अविनाश जी, कर दीजिए माफ, कर दीजिए माफ, कर दीजिए माफ, कर। शबा, 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 महाविनाश जी, शबा। महाविनाश जी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। रानी परी ने जो सुरक्षा कवच बनाया है बालवीर के लिए, उसे तोड़ने के दूसरे तरीके के बारे में सोचना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम उस पे वार करें तो बचने ना पाए। अगर बल्लू का सुरक्षा कवच महाभेद शस्त्र भेद नहीं कर पाया तो बड़ी सी बड़ी शक्ति इस सुरक्षा कवच को भेद नहीं कर पाएगी। तो क्या हम हार मान ले, हार मान के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, अगर हम सुरक्षा कवच को भेद नहीं कर सकते तो उसे हटाने का राज जानना होगा रानी परी से। मगर महाविनाश ने, मुश्किल यह है कि रानी परी के सुरक्षा कवच को हटाए कैसे, ये तो सिर्फ रानी परी ही जानती और वो हमें कभी नहीं बताएगी। इसीलिए शातिर पर अब हमें बल से नहीं छल से काम करना पड़ेगा। किसी भी तरह खुद रानी परी से उस सुरक्षा कवच को तोड़ने का तरीका जानना होगा। ये कैसे संभव? संभव है, और इसके लिए तुम्हें बाल परी का रूप लेकर रानी परी के पास जाना होगा। एक माँ की तरह बालवीर की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना होगा और फिर बालवीर के सुरक्षा कवच को तोड़ने का उपाय जानना होगा। और तुम्हारे बाल परी बनने में एक मुश्किल है। इसमें क्या मुश्किल है? अगर तुम्हें बाल परी का रूप लेना है तो तुम्हें बाल परी को छूकर उसके रूप को अपने अंदर समाना होगा। अगर बालवीर के अंत का यही तरीका है तो शातिर की जतरा ये भी कर ले। तो बस एक बार हमें बल्लू के कवच को तोड़ने का राज पता चल जाए तो बालवीर का अंत बल्लू के रूप में होगा। इस बार जरूर। डुबा डुबाई, एक काम कीजिए, आप सारे डुबा डुबाओं के साथ मिलकर बच्चों के लिए उनके मनपसंद लड्डू बनाइए। हाँ जी, जाइए। और हाँ डुबा डुबाई, ये लड्डू आपको बच्चों के लिए बनाने हैं, आपके खुद के लिए नहीं। है करते आप भी कैसा मजाक गाल परी, वो तो बस देखकर लड्डू है आता मुंह में पानी तो लेते हम थोड़ा चक। लेकिन इस बार चकना भी नहीं है डुबा डुबाई, क्योंकि ये लड्डू सीधे जाएंगे बच्चों के पास। जी, बच्चा दी पर है।
बाल परी तो यहाँ परियों से गिरी हुई है, और अगर ऐसे में मैंने बाल परी को छूकर उसका रूप प्राप्त करने के लिए उसके पास भी गई तो ये परियां मुझ पर आक्रमण करके मुझे कैद कर लेंगी, और मेरा बालवीर की सुरक्षा कवच हटाने का राज जानने की योजना यही बेकार हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर मुझे बाल परी को छूकर उसके रूप को पाना है तो मुझे बाल परी को इन सब से अलग करना होगा, लेकिन इन सब में कितना समय जाएगा मैं नहीं जानती, और मेरे पास समय ही तो नहीं है। परियो, अरे वाह डूबा डूबा, इतनी जल्दी लड्डू बन गए? अरे नहीं नहीं भटका थी परी, बुलाया मैं संदेश रानी परी का कि है बुलाया, उन्होंने आप सबको तुरंत रानी महल में। ठीक है डूबा डूबा, आप जाइए। है ठीक। रानी परी ने हम सबको तुरंत रानी महल में बुलाया है, कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा ना? परियो, वो तो रानी महल जाकर ही पता चलेगा। चलिए। अगर बाल परी भी रानी परी के पास चले गए तो फिर मुझे बाल परी के रूप को पाने की योजना को पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे अगर तुम्हारे रूप को पाना है बाल परी, तो मुझे तुम्हें इन सब से अलग करना होगा, वो भी अभी के अभी, बिना कोई समय का। ये काम मैं खुद करूंगी, निंद्रानु भवरा बनकर। मैंने अपनी बुराई से भरी निंद्रानु का डंक मारा है तो मैं बाल परी, इससे अब तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम्हें नींद आने लगेगी, और फिर तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा बाल परी। रोहित, ये पिद्दी कहीं भी जाकर छुपे, हमें उन्हें बाहर निकालना ही होगा। अरे मोंटू बॉस, इनकी साइज क्या आपके जैसे ट्रक की तरह नहीं है कि ये कहीं भी छुपेंगे और आप इन्हें ढूंढ लोगे। बाबा, ये ट्रक रास्ते में किसने पार्क किया? अरे चिट्टू, ये ट्रक क्या किसी ने पार्क नहीं किया, ये ट्रक क्या खुद पार्क हुआ है। बॉस वो देखो, डीलर सरोली। अरे क्या मोंटू बॉस, मेरा एक राउंड पूरा हो गया और आप अभी तक इधर ही हो। ए रुक, तेरा पूरा राउंड खत्म हो गया, पर वो लोग किधर है? मोंटू बॉस, वो देखो, बचाओ मोंटू, आ रहा मोंटू, आ रहा। हाँ ये जरा, पर क्या हो गया? चुप जाते। रोहित, हाँ, ये पिद्दी लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? मुझे तो लगता है घर चले गए होंगे। हाँ, आज तो हमारा लक ही खराब है, वो पिद्दी हाथ में ही नहीं आए। रोहित, हम एक काम करते हैं, हम भी ना घर चले जाते हैं। हाँ, है ना? चल चल। क्यों बे पिद्दी, तुझको बहुत समझदार समझता है? हाँ हाँ, उतने जितना हम तुम्हें बेवकूफ समझते, जैसे कि तुम अपने ताकत का फायदा उठाते हो वैसे हम अपने दिमाग का फायदा उठाते हैं।
अब देखो तुम ही तो मिठाई के लालच में आ गए थे। बाबा पिद्दियो, तुम चाहे जितनी भी अकल लगा लो पर लड़ाई के समय सिर्फ ताकत की जीत होती है, इसलिए तो मोंटू बॉस के लिए अकल से बड़ी भैंस है। अकल इतनी ही होती है पर भैंस है ना, भैंस इतनी बड़ी होती है। ए, बुलू, बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? हाँ तो ठीक है, अब मैं ताकत लगाकर तुझे परेशान करूंगा और तू तेरी इस अकल से ना बच के दिखाना। हाँ। ये कैसे होगा? आसान है, आसान है, हम रस्ता कसी का मुकाबला करेगा। अगर मोंटू बॉस जीता तो मोंटू बॉस तुम्हारा पिटाई करेगा, और अगर तुम जीता तो तुम मोंटू बॉस का पिटाई करेगा। मंजूर? मंजूर। ए पिद्दी, तेरी इस अकल से ना अगर मुझे हरा सकता है ना तो हरा कर दिखा। हाँ सनी, मेरा तो टिकट आ रहा है, अब उतने बच पाएंगे? हाँ, रस्ता कसी में हम मोंटू को कैसे हराएंगे? क्या हुआ बालपरी, अब ठीक तो है ना? पता नहीं, अचानक से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बालपरी, संभालिए बालपरी। बालपरी, हम अभी आपको आपके कक्ष में लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, आप सब रानी महल जाइए, रानी परी ने बुलाया है तो कुछ खास काम होगा, हम खुद ही चले जाएंगे, आप जाइए। जी बालपरी। चल गया बुराई का जादू, अब मैं तुम्हारे कक्ष में आकर तुम्हारा रूप लूंगी बाल परी, और फिर जानूंगी रानी परी से बालवीर की सुरक्षा कवच को हटाने का राज, जिसके बाद बुराई का होगा ऐसा वार कि बालवीर बच नहीं पाए। Good luck, all the best. सलोनी, मेरा तो जी खट्टा हो रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे इस पहाड़ जैसे मोंटू का रस्साकसी में? पिद्दियो, मैं तुम्हें इतने आसानी से हराना नहीं चाहता, इसीलिए अगर तुम चाहो तो ये बाकी के बचे हुए चिरकुट पिद्दियो को भी तुम्हारे साइड में ले सकते हो, समझे? बुला लो। अरे क्या कर रहे हो बॉस, हराओगे क्या? अरे घबराओ मत, सोच हुआ मिलकर भी एक हाथी को हरा नहीं सकता है। तुमने मुझे हाथी बोला? नहीं, उन्हें चूहा कहा। तो फिर ठीक है, हराने के बाद भी कोई फायदा नहीं, शायद जितने बच्चे हमारे साइड हो, पर मोंटू को तो हराना इम्पॉसिबल है, और मोंटू हमें हराने के बाद हमारी पिटाई के बगैर हमें ऐसे जाने नहीं देगा। बालवीर को बुलाए, मेरा जी खट्टा हो रहा है। हाँ। नीन, बुलाना बालवीर को। अरे सलोनी, बालवीर उधर है, देख। अबे क्या, 10 मोंटू भी मिलकर हमें नहीं हरा सकते। अरे ओ मोंटू, जल्दी शुरू करना इस कॉम्पिटिशन को। हाँ। So let's go. 1, 2, 3. ये दम लगाओ। मोंटू, और दम लगा? क्या हुआ? गुब्बारे में सावा निकल गई? जोई,
उन टिड्डियों के साइड में जरूर कोई गड़बड़ है। देखना वो दोनों उन तीनों को खींच रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं जाके चेक करके आता हूँ। तू इस रस्सी को पकड़ के रख, झंडे के उस पार मत जाना। हाँ पकड़ के रखना। अब बस जल्दी आओ और आप झंडे के उस पार चले जाएंगे। अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कितनी नींद क्यों आ रही है हमें? सिर्फ नींद में नहीं बल्कि लंबी गहरी नींद में चली जाओगी तुम बाल परी। फिर मैं आराम से तुम्हारे अंदर से तुम्हारा रूप अपने में संभालूंगी। सो गई बाल परी? हाँ चलो मैं अब जल्दी से बाल परी का रूप लेने की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। विजार परी, हमें एक बार बाल परी को जाकर देख के आना चाहिए कि अब उनकी तबीयत कैसी है। हाँ भटकाती परी, पता नहीं अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई। हाँ अपना ख्याल तो रखती नहीं होंगी वो, या तो हर समय परी लोग या तो बच्चे, इसीलिए उनकी तबीयत खराब हुई होगी। इसीलिए अब हमें उन्हें कहना होगा कि वो आराम करे, वरना वो अपनी तबीयत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखेगी और फिर से परी लोग के काम में लग जाएगी। हाँ विजार परी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम बाल परी की एक भी नहीं सुनेंगे। आज उन्हें पूरी तरह से आराम करना ही होगा। हाँ भटकाती परी, और बालवीर भी उनको लेकर चिंतित रहेंगे और बच्चों को भी वो पूरा समय नहीं दे पाएंगे। भटकाती और विजार परी यहाँ क्या कर रही? अभी तो मेरा रूप भी नहीं बदला, और अगर इन्होंने मुझे इस रूप में देख लिया तो बालवीर के सुरक्षा कवच को हटाने की मेरी योजना का अंत यहीं हो जाएगा। नहीं, मैं क्या करूं? मैं इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकती, वरना ये किरणें मुझे जला के भस्म कर देंगी। मोंटू, मेरे ख्याल से नील अकेला ही तेरे लिए काफी है। मोंटू, अब मजा देख। अरे मोंटू, तू तो मेरी एक उंगली से भी नहीं हरा पा रहा, तू तो एकदम पुष्टि बम निकला। मोंटू, तू तो अक्कल और ताकत दोनों में हमसे हार गया। मैंने कहा था ना कि मैं अच्छे अच्छे को सीधा कर देती हूँ। दियो, तुम लोगों ने जरूर कोई चालाकी की होगी, और वैसे भी एक कंपटीशन में बेस्ट ऑफ थ्री मैचेस होने चाहिए, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे अक्कल जीती या ताकत। हाँ।
कर दिखाओ। ये तो बड़ा पाव, अरे इसे तो मैं फूक मार के उड़ा दूंगा। अच्छा देखते हैं। ये क्या हो रहा है? हमें मालूम था कि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। हम अपना ध्यान रख रहे हैं, हम आराम कर चुके हैं। हमें दूसरे भी तो काम है ना, वो पूरे करने हैं। लेकिन बालपरी, इस समय आपकी तबीयत से ज्यादा और क्या जरूरी काम हो सकता है? आपको आराम की सख्त जरूरत है बालपरी, इसलिए हम यही खड़े रहकर देखेंगे कि आप आराम से सोए। हाँ, अगर ये सामने आए तो ये बिस्तर पे बेहोश बाल परी को देख लेंगे और मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या करूं? रुकिए, हमारा मतलब है कि रानी परी ने आप लोगों को बुलाया था तो कोई खास काम भी सौंपा होगा ना, तो आप दोनों जाकर उस काम को पूरा कीजिए। हमारी वजह से रानी परी का कोई काम रुक जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बाल परी, आपकी तबीयत? हम अपना ध्यान रख लेंगे, हम यहीं आराम करेंगे। जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तब तक इस कक्ष से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है बाल परी, आप दोनों जाइए। बालपरी, तुम यहाँ आराम से सोती रहो और मैं तुम्हारा ही ये रूप लेकर रानी परी से तुम्हारे प्यारे पुत्र बालवीर का अंत करने का तरीका जानूंगी। बालपरी, है बुलाया रानी परी ने आपको भीतर। रानी परी ने मुझे नहीं, बालवीर के अंत को अपने पास बुलाया। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। रानी परी, वो हम यहाँ, हम जानते हैं बाल परी कि आप यहाँ क्यों आई हैं। कहीं रानी परी को पता तो नहीं चल गया कि मैं बाल परी नहीं शातिर परी हूँ। वो रानी परी, हम बस अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं। बालवीर, बालवीर यहाँ रानी परी के साथ, कहीं इन्होंने मिलकर मुझे कैद करने की योजना तो नहीं बनाई? आप बालवीर के लिए यहाँ आई है ना? रानी परी को सब पता चल गया, अब यहाँ से निकलना ही सही होगा शातिर, वरना बालवीर की जगह तेरा अंत हो जाएगा। अरे आप तो सोच में पड़ गए, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि बालवीर यहाँ है और आप अपने पुत्र बालवीर से मिलने आए हैं, है ना? हाँ रानी भाई, कोई बताए या ना बताए लेकिन माँ को उसके बेटे के आने की खबर पहुंची जाती है। तो बालपरी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत को क्या हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन परियों ने तो हमसे कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अपने कक्ष में आराम कर रही हैं। मैं ये कैसे भूल गई कि मैं शातिर परी नहीं बाल परी हूँ इस समय। अब वो क्या है ना रानी परी, हम नहीं चाहते थे कि बालवीर के सामने हमारी तबीयत खराब होने की बात आए, इसलिए माँ
आपको मुझसे बात नहीं छुपानी चाहिए थी। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए माँ। हमारी चिंता छोड़िए बालवीर, आप ये बताइए कि आप इस वक्त परीलोक में रानी परी से मिलने क्यों आए? माँ, दरअसल मैं रानी परी से ये कहने आया हूँ कि आज मुझ पे शाती और परी ने मेरे बल्लू वाले रूप पे हमला किया था। बेवकूफ बालवीर, शातिर परी को ही बता रहा है कि उसने तुझ पे वार किया था। हा? क्या ये क्या कह रहे बालवीर? अब शातिर परी ने आप पर हमला किया, अब ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं शातिर परी के वार से बच गया क्योंकि मुझ पे रानी परी का बनाया हुआ सुरक्षा कवच था। रानी परी, महाविनाश जी जरूर कोई नया खेल खेल रही है क्योंकि मेरे बल्लू वाले रूप पर ऐसे ही हमला नहीं हुआ होगा। हम सबको सतर्क रहना चाहिए। बालवीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है बालवीर। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक मुझ पर रानी परी का बनाया हुआ सुरक्षा कवच है, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ बालवीर, आपने बहुत अच्छा किया, आपने यहाँ आकर हम सबको सावधान कर दिया। अब रानी परी, अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। जाइए बालवीर। अपने पर हुए हमले की बात बताकर तुम्हें सावधान नहीं किया है बालवीर ने रानी परी, बल्कि मेरा तुमसे बल्लू के सुरक्षा कवच को हटाने का तरीका जानने का रास्ता और भी आसान कर दिया। बस चलो, बस चलो, बस एक मिनट मोंटू, पहले मुझे मेरी सारी पावर तो इकट्ठी करने दे। ये क्या हुआ मोंटू बॉस? कहीं बालवीर जी तो नहीं आ गए इस नील में? अब मेरा पैर हिला के दिखा मोंटू। मोंटू बॉस, घबरा मत, आगे बढ़ो। अरे नहीं रे चिट्टू, अगर मैं उसका पाँव नहीं हिला पाया ना, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा और मेरी पिटाई होगी वो अलग। अरे उसमें कौन सी नई बात है बॉस, ये तो आपकी बेटे रोज होती है। आज तक कभी हार मानी नहीं है। कल मिलते हैं बॉस। बॉस जाओ जाओ जाओ। बालपरी, बालपरी आप बालवीर की चिंता मत कीजिए, बालवीर को कुछ नहीं होगा। रानी परी, हमें बालवीर की चिंता नहीं हो रही है, बल्लू की चिंता हो रही है। और आज जैसे उस पर वार हुआ है, अब तो हम और भी डर गए हैं। बालपरी, हमने आपसे कहा ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। रानी परी, बालपरी नहीं डर रही है, एक माँ डर रही है अपने बेटे की सुरक्षा के लिए। जैसे आज उस पर वार हुआ है, वैसे और भी तो वार हो सकते हैं ना? नहीं बालपरी, अब बालवीर पर चाहे कितने भी वार हो, लेकिन बालवीर को कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके ऊपर हमने हमारा सुरक्षा कवच लगा कर रखा है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए बालपरी। लेकिन रानी परी, सिर्फ एक सुरक्षा कवच के भरोसे हम कैसे बैठ सकते हैं? बालपरी, वो कोई मामूली सुरक्षा कवच नहीं है, वो हमारे द्वारा बनाया हुआ सुरक्षा कवच है। हम पर यकीन कीजिए बालपरी, बालवीर को हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हम महाविनाशनी के छल और बल को अच्छे से जानते हैं रानी परी। महाविनाशनी ने इससे पहले भी अपनी जादुई शक्ति से कई सारे सुरक्षा कवच तोड़े हैं, और कल को
कल को अगर उसने पल्लू का सुरक्षा कवच तोड़ दिया तो फिर महाविनाशनी के वार से कैसे बचाएंगे पल्लू को? यह संभव है बालपरी, क्योंकि बालवीर के सुरक्षा कवच को तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ हटाया जा सकता है। और उस सुरक्षा कवच को हटाने का मंत्र सिर्फ हमारे पास है। फंस गई रानी परी, शातिर की चाल। मंत्र? कैसा मंत्र है रानी परी? इस्याम सभाम सुरभाम कवचम मंत्रम। ये मंत्र आपने क्यों बोल दिया रानी परी? आपके ये मंत्र बोलने से बल्लू पे से सुरक्षा कवच हट गया होगा ना? नहीं बाल परी, वो सुरक्षा कवच बालवीर के ऊपर से तब तक नहीं हटेगा जब तक बालवीर स्वयं उस मंत्र को नहीं बोलेंगे। और वैसे भी बाल परी, बालवीर को उस मंत्र के बारे में अभी नहीं पता है, और अगर पता चल भी गया तो वो स्वयं उस मंत्र को बोलकर उस सुरक्षा कवच को कभी नहीं हटाएंगे। इसलिए बाल परी आप निश्चिंत हो जाए। जी रानी परी, अब हम निश्चिंत हो गए हैं, शुक्रिया। लेकिन अब बल्लू की चिंता जरूर बढ़ जाएगी। शुक्रिया रानी परी, बालवीर को उसके अंत तक पहुंचाने में मेरी मदद करने के लिए। आज खुद ही अपनी सुरक्षा कवच को हटाने का रास्ता दिखा दिया तुमने। मुझे नहीं, इसे पैर को खींचो। मोंटू, मैंने कहा था ना कि मैं मोटे मोटों को, अरे अच्छे अच्छों को सीधा कर दूंगी। हो गया ना तू भी सीधा? तो चैलेंज के मुताबिक मंटू बॉस की पिटाई होगी। अकल में हारता था और आज तो ताकत में भी हार गया। वो हमेशा जीतने वाले साइड में क्यों रहते और मैं हारने वाले साइड पे? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनकी जगह पर पहुंच जाऊं और वो मेरी जगह पर पहुंच जाए? मेरी जगह कभी वो मार खा ले और उसके जगह पे लड्डू? मोंटू बॉस, ऐसा हो सकता है? पहले मेरे हाथ पाव दबा। अरे ये वाला पैर दबा, दबा आराम से, ठीक से मुड़बोश, थोड़ा ठीक से दबाओ। मुड़बोश क्या करता है ये? गला दबाता है, बहुत कर लिया मसाज, अब चुपचाप सब बता दे, चल। तो हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जिसका नाम है अपलम बदलम यंत्र।
ये यंत्र से ऐसा हो सकता है कि नील सलोनी का आइसक्रीम और टिफिन मोंटू बॉस तुम खाओ और तुम्हारा हिस्से का जूता और गुस्सा नील सलोनी खाए, उनका जीत का माला मोंटू बॉस के गले में पड़े और तुम्हारी हार का हार उनके गले में पड़े। कैसा लगा? वो मोंटू बॉस क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मार रहा है। क्या बॉस, एक तो इतना बढ़िया आइडिया दिया और ऊपर से आप मुझे मार रहा है। तो क्या बेवकूफ, ये यंत्र तेरे पास पहले था तो तू पहले क्यों नहीं लाया? जा जल्दी जा कर ला। आ ले क्या था, ले क्या था, लेके क्यों आने का? वो तो मेरे पास है, जाओ। मोंटू बॉस ये देखो, अपलम बडरम यंत्र। इसे पहनने वाला इसमें से निकलने वाला रेत का मदद से किसी भी दूसरे की जगह ले सकता है और उसे अपनी जगह ला सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे चिट्टू वो क्या है ना, मोंटू बॉस का अकल में ना थोड़ा हार्ट टाइट है, तुझे प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, थोड़ा कुछ करके बता। हाँ हाँ ठीक है रोहित, दूर हो जाओ यहाँ से। ए? मतलब यहाँ से दूर जाके खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ मोंटू बॉस अब मुझे उठाओ। चला मैं नहीं उठाऊंगा। जाओ उठा रहा हूँ। हाँ चल बोल बोल। मैं भी ना बैल, मुझे मार पहले काम करता, अब हाथी को साथी बनना तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, दिखा दे दिखा दे बता दे। हाँ ये देखो। हाँ तू तू इधर मोंटू बॉस ये देखो। हाँ। देखा इसका कमाल। हाँ यार चिट्टू ये तो बड़ी कमाल की घड़ी है, पर इसको मैं नीलो सलोनी पर यूज कैसे करूंगा? अरे बाबा ये सब मुझे ही समझना पड़ेगा। हाँ। शाबाश शातिर परे, शाबाश महाविनाशिनी, खुश बहुत अच्छा किया कि तुमने बल्लू के सुरक्षा कवच को तोड़ने का मंत्र जान लिया। शातिर परी के शातिर चालों से कोई बच नहीं पाया है महाविनाश, रानी परी भी फंस गई इसमें। बहुत अच्छे, अब जाओ शातिर परी, जाकर बल्लू पर आक्रमण करो ताकि बुराई के सबसे बड़े दुश्मन बालवीर का अंत हो जाए। ठहरी महाविनाश, सिर्फ मंत्र का जानना हमारे लिए काफी नहीं, अगर इस सुरक्षा कवच को हटाना है तो बल्लू को खुद यह मंत्र इस्याम सभाम सुरभम कवचम मंत्र बोलना पड़ेगा, और बल्लू से यह बुलवाना आसान नहीं होगा महाविनाश। लेकिन आसान खेल खेलती कहां है महाविनाश, बल्लू से मंत्र बुलवाने के लिए मेरे बुराई के पिटारे में एक बहुत ही बढ़िया चाल है, वो चाल जो तुम कल सुबह जाकर बल्लू के विद्यालय में चलोगी। बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी चाल चलने से पहले रानी परी को यह पता ना चल पाए कि तुम मंत्र जानती हो। नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने जिस निंद्रानु रस से बाल परी को डंक मारा है वो एक दिन से पहले नहीं उठेगी नींद से। जब तक बाल परी जाकर रानी परी को बताएगी तब तक तुम बालवीर पर वार करके उसे कैद कर चुकी होंगी, और उसके बाद में उसे सबसे खतरनाक और खौफनाक गिलबिल पर्वत भेजूंगी। गिलबिल पर्वत? वो गिलबिल पर्वत जो चारों तरफ से गहरी खाइयों और पर्वतों से घिरा है, जहां हर एक कदम पर खतरा है। लेकिन अगर परियां पहुंच गई वहां पर बालवीर को बचाने के लिए तो? वही तो गिलबिल पर्वत की खास बात है शातिर परी,
कि बालवीर को बचाने के लिए परियां वहां प्रवेश कर ही नहीं सकती। फिर तो हम बड़ी आसानी से बालवीर का अंत कर सकते हैं महाविनाशिनी। महाविनाशिनी एक कदम पर दो चाल चलती है शातिर परी। पहले मैं बालवीर को कैद करूंगी, उसके बाद एक एक करके परियों की दी हुई सारी शक्तियां छीन लूंगी। लेकिन इससे क्या होगा? इससे एक एक करके हम परियों की शक्तियां छीनेंगे, क्योंकि बालवीर में सारी परियों की शक्तियां हैं और सारी परियां आपस में जुड़ी हुई है। अब महाविनाशिनी एक तीर से बालवीर और परियां दोनों को समाप्त करें।